हम दूसरों को सुधारने में ज्यादा लगे होते हैं, अपना तो देखते ही नहीं। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देख के सीने में, देखो सीनों में कितने दाग पड़े हुए। हल्का सा दाना आ जाए ना, सारा दिन आईने के सामने गुजर जाता है। दिलों में कितने दाने पड़े हुए, कभी दिल की तरफ गौर न किया। मस्जिदों में आते बुक्स कीना लेकर, हजारों लाखों सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जब दिलों में कीना लिए खड़े हो। वुजू करने बैठते थे, देखते दाएं बाएं कौन बैठा है, हमारे मिजाज का नहीं होता चाहे रकात चली जाए, हम वहां दूसरी जगह वुजू करने जाते हैं। नमाजों में आते दाएं बाएं देखते हमारे बगल में कौन खड़ा है। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, अकबर जिस जर्ब से दिल हिल जाते थे वो जर्ब लगाना भूल गए। इबादत तो अल्लाह के नबी करते थे, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्जिश चल रही है हमारी। तो हमारा कोई दुनियावी काम हो तो वो बंदे से कहता है 15 मिनट रुक मैं आता हूँ, और नमाज पढ़ने के लिए जाना हो तो रुक 2 मिनट में 6 रकात पढ़ के आता हूँ। 2 मिनट का जहन बनाकर मस्जिद में आता है, ये और बात है, वो 1 ही मिनट में वापस चला जाता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत पे कुर्बान जाऊं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु तआला ना फरमाती है, मैंने अपने शौहर को देखा, मैंने अपने जौहर को देखा, मैंने अपने गौहर को देखा, अम्मा किस हाल में देखा। अम्मी आयशा फरमाती है, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा, तहज्जुद का वक्त है, एक एक रकात में इतना लंबा कुरान पढ़ते थे, पांव मुबारक में वरम आ जाता था, पांव मुबारक में सूजन आ जाती थी, पांव एड़ी मुबारक फट जाती थी। अम्मी आयशा फरमाती है, गफर गुफिर लकमा तकद्दम मिन ज़म्बिक, ओ काली कमली वाले, ओ अल्लाह के पाक नबी, ओ हमारे आका, गुना कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, फिर इतना मुजाहदा, इतनी तकलीफ आप क्यों उठाते हो। पांव मुबारक फूल जाते, एड़ी फट जाती थी। खुदा की कसम, काबा अल्लाह का इतना पाक नहीं है, अल्लाह का अर्श इतना पाक नहीं है, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं है जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत में पाक है। फिर भी सारी सारी रात इबादत, पांव फट जाते, वरम आ जाता था। अम्मी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने मुसल्ले की जगह को तरबतर देखा, पानी में भिगोया हुआ देखा। अम्मी आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह, मश्क गर्मी का मौसम नहीं, मश्कीजा लोटा मैंने रखा नहीं, ये पानी मेरा रखा हुआ नहीं है, ये पसीना भी नहीं हो सकता, फिर ये पानी कहाँ से आ गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, सारी रात अल्लाह के दरबार में रोया हूँ, ये पसीना नहीं, ये तेरे लोटे का पानी नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा की आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। 2 कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते, एक अल्लाह के खौफ में निकला हुआ आंसू का कतरा और एक मैदान कारजार में गिरा हुआ शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, इससे पहले अल्लाह सारे गुना धो डालता है। एटम बम में वो ताकत नहीं है, खुदा की कसम, जो अल्लाह ने हमारे आंसुओं में वो ताकत रखी है। अल्लाह की रहमत मुसलमानों बड़ी वसी है, वो बख्शिश के बहाने ढूंढती है। जब उसकी रहमत वाली नजर, जब उसकी रहमत वाली नजर आदम के पुतले पे पड़ती है, मस्जिद मलाइका बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर आजर के बुतखाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवाकर जमजम के चश्मे जारी कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है। अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्के के यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है। जब हम पे पड़ी, मस्जिद में बुला लिया, बोलो ना बेशक। हजारों लोग इंटरनेट पर बैठे होंगे, हजारों लोग फेसबुक पर बैठे होंगे, हम अपनी ताकत से नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत हमें अल्लाह के दर में लेकर आई है।
अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। 10 साल से सजदा न करने वाला बंदा अकड़ के कहता है मैं 10 साल हो गए मस्जिद में गया ही नहीं, तू कौन सा होता है न जाने वाला, मेरे रब ने तुझे बुलाया ही नहीं। उलमा ने लिखा है ना, इसी वजह से इबादतों पर नाज ना करो, मैंने इतना कर लिया इतना कर लिया, घमंड करेंगे गुरूर करेंगे इतना कर लिया, फाइल खुलेंगे ना एक सजदा भी नहीं मिलेगा, मैंने इतना पैसा लगाया है, मैंने इतना दिया है, मैंने इतना इतना किया है दीन के रास्ते में, ये इतना 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 हमें कहीं का नहीं छोड़ते, ये शैतान की बहुत बारीक चालें होती है। पहले तो वो इबादत करने ही नहीं देता, चलो मान लो हो गई, फिर वो खुलूस में बीच में टांग लड़ाता है। अगर नेकी नेकी तब बनती है जबकि उसमें खुलूस हो, वो हमारा खुलूस छीन लेता है। इतनी बेवाओं को खिलाया, इतने यतीमों को खिलाया, इतने तलबा को खिलाया। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है गुफिर लका मा तकद्दम मिन ज़म्बिक, ओ मेरे महबूब, ओ अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ने आपको खता कोई नहीं, कुसूर कोई नहीं, गलती कोई नहीं, फिर इतनी तकलीफें आप क्यों उठाते हो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, ओ मेरी आयशा अफला अकुना अब्दन शकूरा, मैं क्या उस बंदे का उस अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा मैं क्यों ना बनूं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। हमारे घरों में कुरान बंद पड़े मुसलमान, ताकचों की जीनत मैयत हुई घर में, एक घंटे के लिए कुरान खोला फिर बंद, दूसरी मैयत होगी ना तब आएंगे सूरह यासीन पढ़ने, अभी रख दो ऊपर ताकचे में। आज हम अल्लाह को मानते अल्लाह की नहीं मानते, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते इनकी नहीं मानते, वलियो कुतब अब्दालों को मानते इनकी नहीं मानते, कुरान को मानते कुरान की नहीं मानते। मोहिदुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कैसा ईमान था, इनकी गली से अजमेर की गली से इनका जनाजा उठा, 90 लाख काफिर कलमा पढ़ चुका था, हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। इन्होंने तो कभी दाढ़ियां नहीं निकाली, हम कहते हैं मैं तो फुलाने का मुरीद हूं, कभी दाढ़ी नहीं रखी, हल्के से बाल नहीं आते, हल्के से बाल फौरन नाई की मुलाकात करते। कितने के कहते हैं ना कि भाई दाढ़ी रख, कहां रिश्ता हो जाएगा ना मौलाना, बाद में रखूंगा, कहीं ऐसा ना हो रिश्ता बाद में हो, इससे पहले तू फारिग हो जाए। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर।